तो इसमें हम आधा कप लेंगे आधा कप मतलब ये जो इसका ढक्कन है ना यही इसका कप है इसको आधा लेना है और कपड़े जब आप पूरी तरह से धो चुके हो निचोड़ चुके हो उसके बाद पाँच लीटर पानी में आधा कप फैब्रिक कंडीशनर डालो और धुले निचुड़े हुए कपड़ों को इसमें पंद्रह मिनट के लिए सोप कर दो हम एक बार में दस कपड़े लगभग इसमें यूज़ कर सकते हैं अब इसके बाद इन कपड़ों को निकालो और सुखा दो इसके बाद हमको इसको रिंस वगैरह कुछ नहीं करना है सीधे निकाल के सुखा देना है और अगर आप मशीन वॉश कर रहे हो तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो सॉफ्टनर का कंपार्टमेंट अलग से होता है उसमें डाल दो और अगर नहीं है तो डायरेक्टली मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ मशीन में कपड़े धुल गए लास्ट रिंस के इस टाइम पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें डाल दो एक ढक्कन मशीन वॉश के लिए एक ढक्कन हैंड वॉश के लिए आधा ढक्कन और ये करता क्या है जैसे कि जनरली होता है रिपीटेड धुलने से कपड़े डल हो जाते हैं और और रफ हो जाते हैं तो छोटा सा स्टेप कपड़ों को नई जैसी चमक देगा इवन आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग खुशबू इसकी पूरी फ्लावर वाली खुशबू है पर पता है ऐसी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी कि कपड़ों में से जो खुशबू आ रही है ना उसमें मजा आ रहा है ये ना मॉनसून सीजन और विंटर में तो जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि तब कपड़ों में से वो टिपिकल स्मेल आती है ना इसकी खुशबू उसको ओवरपावर करेगी और ये लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है आपने एक बार धोया तो अगली बार धुलने तक रहती है जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना और सोचो अगर हमारे कपड़े हमेशा नए जैसे रहे तो कितना मजा आएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब